श्रीराम गुजराती विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं लखनलाल मीना, विषय अध्यापक सामाजिक विज्ञान, कक्षा 8 के प्रथम अध्याय का जो मैंने पिछले वीडियो में आपको अध्ययन कराया था उसी से आगे आपको समझाते हुए, ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थी, मैंने पिछले वीडियो के अंतिम सेंटेंसों में आप सभी को ये बताया था कि इतिहासकार किसी ब्रिटिश शासनकाल के गवर्नर के रूप में किस जनरल गवर्नर जनरल से शुरुआत करते हैं और किस पर समाप्त करते हैं, इसके बीच में कौन कौन आए थे, ये मैंने सारा आपको डिटेल समझाया था। तो आपको दोबारा से थोड़ा सा मैं आपको ध्यान दिलाते हुए कि सबसे पहले ब्रिटिश शासन ने भारत में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग को भेजा था और अंतिम जो जनरल गवर्नर बनाकर भेजा था वो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसके बाद बहुत सारे गवर्नरों को इसके मध्यकाल में भेजा था। तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ही आ जाता है कि हम इनके इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं परंतु हमारे देश के विभिन्न कालखंडों, हमारे देश में होने वाले विभिन्न कालखंडों के विभिन्न राजा महाराजाओं के या विभिन्न समूहों का विचार क्यों नहीं हमारे मन में आता है। तो सवाल ये भी आता है क्या हम इसी दौर के इतिहास से को अलग अलग ढंग से नहीं लिख सकते, यानी जो पिछला हमारा इतिहास है उसके इतिहास को हम अलग अलग ढंग से नहीं लिख सकते, ये सवाल हमारे दिमाग में आता है। हम भारतीय इतिहास के चौकटों में समाज के विभिन्न समूह वर्गों की गतिविधियों पर क्यों नहीं ध्यान देते, इस बात पर हमें सभी को विचार करना होगा और सभी को विचार करके इन समाज के विभिन्न समूहों और समाज के विभिन्न वर्गों के गतिविधियों पर ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए। हम अवधियां, आगे देखो बेटा, हम अवधियां कैसे तय करते हैं तो आपको मैं उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। 1817 में स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जिनका नाम था, उन्हें ध्यान दीजिए, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने तीन विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब लिखी। अब यहां एक प्रश्न बनता है कि जेम्स मिल ने या इसको उल्टा भी कर लेते हैं या तो नाम से पूछ लेते हैं या फिर बुक के नाम से, जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया था, तो आपको वो क्वेश्चन को कैसे बनाएगा, इसको आपको नोट करना है। प्रश्न को बनाएगा ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो आपको इसका आंसर नोट करना है। आंसर लिखें ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल थे। ध्यान रखिएगा, आगे देखिए इन्होंने क्या किया, अपनी पुस्तक के माध्यम से हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब लिखी, इसमें भारत के इतिहास को अलग अलग खंडों में विभाजित कर दिया और वो अलग अलग खंड कौन कौन से थे, तो इन्होंने वो अलग अलग खंड बनाए हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश। चार बच्चों, आप सभी को यहां पर उन्हें ध्यान देना है कि भारत में आबादी के क्षेत्र के अनुसार
यदि हम आकलन करेंगे तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है हमारे देश के अंतर्गत दो समुदायों की जनसंख्या सबसे अधिक है, अर्थात हिंदू और मुस्लिम। ये दो समुदायों की संख्या हमारे यहाँ पर सबसे अधिक है और ये दो समुदायों की संख्या के आधार पर ही उन्होंने हिंदू और मुस्लिम, बाकी अन्य समाज के बहुत सारे धर्मों के लोग, हमारे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, परंतु उनकी संख्या कम होने के कारण, अल्प होने के कारण उनको नजरअंदाज किया गया और जिनकी संख्या ज्यादा थी, जिनका बाहुल्य ज्यादा था, उन्हीं को कालखंड के रूप में उन्होंने सम्मिलित किया। तीसरा कालखंड के रूप में उन्होंने स्वयं को सम्मिलित किया, अर्थात ब्रिटिश लोगों को सम्मिलित किया। तो इस प्रकार उन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक में हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश लोगों के कालखंडों में विभाजित कर दिया। एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच क्या बदलाव है, उनका क्या महत्व होता है, और ये स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री जेम्स मिल को ऐसा भी लगता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पुस्तक में इस प्रकार की बातें दर्शाई है, उनको ऐसा भी लगता है कि एशियाई समाज के जो लोग हैं, यानी एशिया महाद्वीप में रहने वाले जो लोग हैं, एशिया महाद्वीप में रहने वाले लोगों की सभ्यता के मामले में, चाल चलन, बोली, भाषा, खाना पीना, रहना, यानी उनके रीति रिवाज, ये सारे जो थे वो एशियाई समाज के लोगों की सभ्यता यूरोप के समाज के लोगों की तुलना में पीछे है, अर्थात वो मानते थे कि एशिया महाद्वीप के लोग यूरोप महाद्वीप के लोगों से विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर, सभ्यता के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, रीति रिवाजों के आधार पर, आचरण के आधार पर, बोली भाषा के आधार पर, खान पान के आधार पर, पहनावे के आधार पर, अन्य उनकी संस्कृति और उनकी जो विशेषताएं थी उनके आधार पर यूरोप महाद्वीप से पीछे आता। वो अपने आप को सभ्य मानते थे और एशिया महाद्वीप के लोगों को असभ्य मानते थे। इसलिए उन्होंने ये भी लिखा कि यूरोप से पीछे होने के कारण, अंग्रेजों के आने से पहले, अंग्रेजों के भारत में आने से पहले हिंदू मुस्लिम तानाशाहों का शासन था, अर्थात जो रियासतें थी उनमें या तो हिंदू राजा हुआ करते थे या फिर मुस्लिम राजा हुआ करते थे। मुस्लिम जिस बाहुल्य क्षेत्र में मुस्लिमों का शासन था वहां उन राजाओं की तानाशाही शासन व्यवस्था थी, इसी प्रकार हिंदू राजाओं के बाहुल्य क्षेत्र में उनकी तानाशाही शासन व्यवस्था थी। ये जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक में लिखा। चारों ओर केवल, उनको ऐसा भी लगा कि चारों ओर केवल धार्मिक, वैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। उन्हें ऐसा लगता था कि लोगों के बीच धार्मिक वैर है, अर्थात हिंदू मुस्लिमों में दोनों बाहुल्य क्षेत्र अधिक होने के कारण ऐसा लगता था उनको कि इनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार से द्वेषता की भावना है, वैर की भावना है और विभिन्न जातिगत बंधनों से बंधे हुए हैं। आपने देखा होगा हमारे देश के अंतर्गत विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, उनके बीच में जातियां उपजातियां बहुत सारी होती है, तो उनका अलग अलग वर्चस्व होता है और विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों में भी ये लोग लिप्त हैं। यदि इन लोगों को इन अंधविश्वासों से मुक्त नहीं कराया जाता है तो ये लोग सभ्यता के आधार पर पिछड़े हुए माने जाते हैं, ऐसा उनका, जेम्स मिल का विचार था। इसलिए उनकी राय में भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, अर्थात वो क्या मानते थे
जेम्स में क्या मानते थे कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाए, तभी जाकर के भारत के लोग यूरोपीय सभ्यता को ग्रहण करेंगे, और जब तक ये ग्रहण नहीं करेंगे तब तक असभ्यता की श्रेणी में ही माने जाते हैं। अर्थात आपको यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता ये भी है कि जैसे मान लीजिए हमारे भारतीय लोगों का पहनावा है, वेशभूषा है। अब पहनावा भारतीय लोगों का जो वेशभूषा थी वो अपनी अपनी परंपरा के अनुसार वो पहनते थे, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार पहनते थे, अपने अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार भी पहनते थे। तो लेकिन उसके अनुसार वे लोग जो है इसको असभ्यता के रूप में मानते थे, और वो उनकी सभ्यता अर्थात अच्छे कपड़े, अच्छे बालों की कंघी किए हुए, अच्छे ढंग से तौर तरीके, टाई, बेल्ट, पैंट, शर्ट, इस प्रकार की अच्छी वेशभूषा में, अच्छे जूते मोजे, इस प्रकार की टिप टॉप व्यवस्था को वो पसंद करते थे। हमारी भारतीय व्यवस्था की जो पुरानी व्यवस्थाएं थी उनको नजरअंदाज करते थे, और इसीलिए उन्होंने यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू करना अनिवार्य किया, माना गया, जिसके कारण भारतीय लोगों को सभ्य कर सके। ये ऐसे उनके विचार थे। इस प्रकार आप सभी को इस को ध्यानपूर्वक देखते हुए आज मैंने आपको पिछले वीडियो में और इस वीडियो में जितनी आपको इतिहास से संबंधित कैसे, कब और कहां की जानकारी प्राप्त करवाई, किस बात पर फोकस किया जा रहा है, इस बात पर आपको ध्यान देना है। आपको सबसे पहला ध्यान देना है कि वर्तमान समय में जो घटनाक्रम हो रहे हैं उसको और पिछले इतिहास की तुलना करके एक नया इतिहास लिखने की आवश्यकता है। इसी के लिए इस पाठ पर जोर देते हुए आपको ये समझाया जा रहा है, ध्यान दिलाया जा रहा है। ध्यान दीजिए, यदि आप सभी विद्यार्थियों को ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्यारे बच्चों आपसे आगे जुड़े रहने के लिए और आप सभी को आगे बढ़ाने के लिए आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको ये हमारा चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।